बैंगन तैयार हो गया है और ये मैंने उतार लिया है, बहुत गर्म है और इसको मैं छीलने लगी हूँ, साफ करने लगी हूँ। ये देखिए कितने प्यारे छिलके चले हैं और देखो खुद ही उतर रहे हैं, मेरे हाथ नहीं लग रहा। ये देखिए मैंने फोर्क पकड़ लिया है कांटा अच्छा छिलका उतरा, ये बहुत गर्म। बस ये तो मेरा मवाद तैयार हो गया है, मसाला जब तैयार किया है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें मैं डालने लगे ये है देसी भुर्ता, ये मेरी अम्मी बनाती होती थी, वो तो हर दूसरे दिन ये भुर्ता बनाती होती थी, हमने तो कभी भी नहीं बनाया। आज बैंगन हमारे घर आए हैं, मैंने चले भुर्ता ही बना ले, और मेरी अम्मी बड़ा टेस्टी बनाती होती थी। और ये देखे ये भी बड़ा टेस्टी बन चुका है, और आज मुझे अपनी अम्मी की भी बहुत याद आ रही है। जिनकी माएँ हैं उनको, उनकी माँ को खुदावन सलामत रखे, और जिनकी माएँ नहीं हैं खुदावन उनको जन्नत नसीब करे और उनके सारे उन आल औलाद के दुखों को दूर करे, आमीन। इतना खूबसूरत बन चुका है और इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। और अब हमारे भूख बढ़ती जा रही है, और व्यूअर्स आप भी खाइए और सबको खिलाइए, और खुदावंद आपके रिज़्क पानी पर बरकत दे और हमें भी बरकत दे। हर एक को, कोई इस दुनिया में भूखा और प्यासा ना रहे, हर एक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाए पिए ऐश करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये है देसी भुर्ता, देसी बैंगन का भुर्ता तैयार। अगर अच्छा है तो आप भी खाएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल का बटन दबाना ना भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें।